Hey everyone, welcome back to Nate Shorts. How are you guys? So today I want to talk to you about something very important which actually made me get 676 marks. I only followed this very diligently and I thought ki main aapke saath aake share karun. Video thoda lamba ho sakta hai but please bear with me because this is very important. Please end tak dekh lena agar aapko theek lage to ya fir aap save karke rakh lena baad mein dekh lena but please watch it till the end. तो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए दीदी. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ी. आपका अप्रोच अलग हो सकता है, किसी और का अप्रोच अलग हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही यू शुड फॉलो दिस बट आई विल टेल यू व्हाट आई डिड एंड हाउ आई डिड. सो बिफोर आई स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू थिंक दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. सो मैं बता देती हूँ कि मैंने बायो की एनसीईआरटी कम से कम 10 से 15 बार पढ़ी है. आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट एंड मैंने उसके सारे डायग्राम्स देखे थे, हर एक डायग्राम की लेबलिंग देखी थी मैंने, सारे उसके फुट नोट्स, उसके साइड में साइंटिस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है सारा कुछ 10 बार पढ़ा इंक्लूडिंग द समरी. ठीक है. एंड केमिस्ट्री मैंने कम से कम 6-7 बार पढ़ा होगा. ऑर्गेनिक मैंने ज़्यादा पढ़ा था, इनऑर्गेनिक मैंने ज़्यादा पढ़ा था बिकॉज मुझे इनऑर्गेनिक याद नहीं होता था. मैं बार बार पढ़ती थी. जैसे एस ब्लॉक आज उठा के पढ़ा, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप कल उठा के पढ़ लिया. मान लो मुझे कोई कुछ करने का मन नहीं है तो मैंने फटाफट से सोडियम पोटेशियम इन सब की प्रॉपर्टीज़ देख ली एनसीईआरटी से उठा के. सो हाउ डिड आई एक्चुअली रीड एनसीईआरटी? तो पहली जब मैंने पहली रीडिंग दी थी तो मैंने एक नॉर्मल रीडिंग दी थी. ठीक है. उसमें मैंने थोड़ा बहुत अंडरलाइन कर लिया था. सब कुछ अंडरलाइन मत करो क्योंकि उससे क्लटर हो जाता है, फिर सब कुछ अंडरलाइन हो जाएगा. राइट. जस्ट अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू फेल्ट वर ओ वाओ, मतलब वो वाओ वाला फैक्टर जहाँ पे आ रहा है वो अंडरलाइन कर लो. या फिर तुम्हें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो उस पैराग्राफ को मार्क कर लो इंपॉर्टेंट. ठीक है. सेकेंड चीज़, आई यूज ओनली पेंसिल बिकॉज पेंसिल से क्या होता है कि आई कुड रब थिंग्स, आई कुड री राइट थिंग्स. मैं कभी पेन यूज़ नहीं करती थी एनसीईआरटी में मोस्ट लाइकली, क्योंकि उससे फिर वो परमानेंट हो जाता है और फिर उसके ऊपर ही लिखना पड़ता है. थर्ड, जब मैं सेकेंड टाइम उसको पढ़ती थी तो मुझे पता था कि वो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है बट कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती थी तो फिर मैं उनको भी मार्क करके रख लेती थी. ठीक है. तीसरी, चौथी, पाँचवीं रीडिंग मैंने तब, तो बेसिकली क्या होता था कि जैसे हमारा आज चैप्टर ख़त्म हुआ, आज मैंने एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ी. ठीक है. उसके बाद मैंने क्वेश्चंस किए, उसके बाद जब एफटी आया तो मैंने एनसीईआरटी दोबारा पढ़ ली, जो मेरा फोर्टनाइट टेस्ट होता था आकाश में हर 14 दिन में. ठीक है. तो मेरी दूसरी रीडिंग हो गई. फिर मान लो कि एआईएटीएस आ गया तो थर्ड रीडिंग लगानी है तो थर्ड रीडिंग लगा ली. फिर जब मेरे मॉक टेस्ट होते थे बीच बीच में, जैसे मैं बस थोड़ा टाइम होता था तो मैं पुराने चैप्टर्स की एनसीईआरटी रिवाइज कर लेती थी. मान लो कि जैसे मुझे पता है कि मेरा न्यूरल एंड कोऑर्डिनेशन में कम मार्क्स आए थे लास्ट टाइम क्योंकि मैंने दो तीन चीज़ें मिस कर दी थी. मुझे पता था ईयर एंड आई वाला हमारा पार्ट वीक है तो मैं वापस उसको पढ़ती थी. ठीक है. एंड स्पेशली मे ऑनवर्ड्स आई एवरी डे आई यूज़ टू रीड 3-4 चैप्टर्स, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक चैप्टर पढ़ लिया तो 3 चैप्टर हो गए. इस तरीके से मैं हर बार रीडिंग करती थी. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और मॉक टेस्ट दिए और कुछ भी नहीं किया. ठीक है. एंड एनसीईआरटी पढ़ने से, एनसीईआरटी को मतलब अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. मतलब जैसे हर चैप्टर का अपना अलग अप्रोच हो सकता है. जैसे कोई चैप्टर जिसमें फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको समझना पड़ेगा कि पीछे वो क्या बोल रहे हैं, मतलब क्यू वैल्यू एक्चुअली क्या होता है. राइट. इन अ एनर्जी फिशन फ्यूजन जो भी होता है हमारा फिजिक्स में. एंड जैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि ऑरोरा बोरियालिस में कलर जो होता है पिंक एंड ग्रीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो कोलिजन होता है, जो एटम्स होते हैं, वो क्यों होता है? तो ये चीज़ एनसीईआरटी के एक छोटे से डब्बे में. अब कल को कोई हो सकता है ना एग्जामिनर वो उठा के उसमें से क्वेश्चन बना दे, वो एनसीईआरटी का तो पार्ट है ही. सी, इफ़ यू डोंट रीड दैट पार्ट यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल फॉर दीज ऑफ बीट क्वेश्चंस. ठीक है. दूसरा, मैं ये बोलूँगी कि जब दूसरी तीसरी बार पढ़ते हो ना एनसीईआरटी, आपको लगेगा हाँ आपको आता है, लेकिन एवरी टाइम यू रीड एनसीईआरटी देयर विल बी समथिंग न्यू दैट यू नेवर नोटिस्ड बिफोर. ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है टू री डू समथिंग. वेन एवर यू रीडू समथिंग यू हैव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड वो परस्पेक्टिव ऐड होते जाता है. इमेजिन करो तुमने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी, 5 बार पढ़ी, 7 बार पढ़ी, जितने बार तुम पढ़ सकते हो, हर बार तुमने कुछ नया उससे सीखा. पुराना तो तुमने अपना पक्का किया, एक नया भी चीज़ तुमने सीखा. जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ दैट. सो ऑल एंड ट्राई, जस्ट इमेजिन कि अब फाइनली जाके ईयर और आई वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो मेरे दिमाग में छपा हुआ है गाइज. मतलब आई कैन टेल यू वेयर एग्जैक्ट ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज रिटन. आई कैन टेल यू दैट. तुम मेरे सामने एक लाइन उठा के देखो एंड आई विल टेल यू कि वो कहाँ है. मतलब दैट इज़ द पावर ऑफ एनसीईआरटी एंड और एनी बुक. मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुम 3-4 जगह से पढ़ोगे तो
इन्फॉर्मेशन में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अगर तुम एक चीज़ बार 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 देख रहे हो, तुम्हें वो चीज़ अपने आप मेमोरी में घुस जाएगी एंड इट विल बी सो नेचुरल फॉर यू कि अरे हाँ, ये तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है. यू नो दैट्स हाउ द ब्यूटी इज. एंड द अमेजिंग पार्ट अबाउट द होल एग्जाम इज दीज डेज कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है. अब तुम बोलोगे मैम 3 questions बाहर से आते हैं, दीदी 2 questions आते हैं. अरे यार, एनसीईआरटी में तो फुल लेके आओ पहले, उसके बाद 2 questions की चिंता करना. द प्रॉब्लम इज कि हमें बाहर वाली इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा चिंता है, एनसीईआरटी तो पूरा हमसे संभल नहीं रहा है, राइट? तो फॉरगेट दैट माइंडसेट. पहले तुम एनसीईआरटी में फुल तो लाओ. अगर तुम्हारे 700 number भी आ जाते हैं, 2 questions बाहर के थे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? 700 number से खुश नहीं रहोगे? जस्ट सेइंग. तुम्हें तो सीट चाहिए ना गवर्नमेंट में, तुम्हें तो बेसिकली कॉलेज में पढ़ना है, कहीं भी चले जाना पढ़ने. द होल पॉइंट इज अगर तुम एनसीईआरटी पे फोकस करोगे तो एटलीस्ट योर 99% ऑफ थिंग्स आर सिक्योर्ड, राइट? माई पॉइंट इज कि अगर तुम एक ही किताब बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा छपेगा ना वो दिमाग में कि तुम भूल नहीं सकते हो. कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वो किस चीज़ का साइन होता है, सॉरी प्रेशर ड्रॉप होता है जब 10 mm से ज़्यादा, तो वो किस चीज़ का साइन होता है? वो एक स्टॉर्म का साइन होता है. अब ये चीज़ लिक्विड्स के चैप्टर में एक छोटे से क्वेश्चन में दी हुई है, कल कोई पेपर में आ सकता है ना. माय पॉइंट इज यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी. बाहर घूमोगे, एलन के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, अरे ठीक है, पहले तुम इवन इफ यू आर गिविंग एलन आकाश टेस्ट या कोई भी टेस्ट, एनसीईआरटी वाला पार्ट तो फुल लेके आओ पहले. अगर 95% स्कोर भी आ रहा है उस टेस्ट में तो क्या दिक्कत है? सी, प्रायोरिटीज़ को फोकस करो ना कि क्या इंपॉर्टेंट है. NTA focuses on NCRT. एलन आकाश में नंबर लाके क्या करोगे? नीट में लाना है ना. अगर तुम्हारे एलन आकाश में 95% मार्क्स कम भी आ रहे हैं बिकॉज यू नो तुमने NCRT से ही पढ़ा है और नीट में तुमने ज़्यादा स्कोर कर लिया, तो वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट? यू गेट माई पॉइंट? सो प्लीज़ फोकस ऑन NCRT. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स गाइज एंड दिस मोटिवेट्स यू टू रीड NCRT. बोरिंग लगे या कुछ लगे, पढ़ना तो है ही. MBBS की किताब भी बोरिंग लगेगी तो फिर मत पढ़ो, मेरा तो ये कहना है, राइट? बुरी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, अच्छी चीज़ें भी करनी पड़ती है. देर इज़ नो प्रोफेशन, देर इज़ नथिंग इन लाइफ जिसमें सब कुछ अच्छा लगता है. यू हैव टू डू एवरीथिंग एंड दिस इज़ वेर योर रियल टेस्ट इज़ कि क्या तुम वो चीज़ कर सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है. कल को तुम्हें सुबह 5 बजे उठ के वार्ड राउंड पे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में. अब तुम बोलोगे मुझे तो सोना है, राइट? ऐसा नहीं होता, राइट? सो माई मैसेज इज दैट देर इज़ नो शॉर्टकट. NCERT पढ़ना है, राम बाण है, बाइबल है NCERT. प्लीज़ रीड NCERT एज मच एज यू कैन एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट. बाय.